अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ अल फारूक हॉस्पिटल जो कि 13 नंबर गली गंग रोड जिला शेखुपुरा बरोज अतवार 16 अप्रैल 2023 माह रमजान के महीने में इसका इफ्तिताह कर दिया गया है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा इस हॉस्पिटल में कौन कौन से डॉक्टर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं और इनकी यहाँ पर टाइमिंग क्या है। आज मैं मुकम्मल वीडियो बनाकर आप लोगों के लेकर आया हूँ और रिव्यू भी फुल डिटेल से आप लोगों को दूंगा इस हॉस्पिटल के बारे में, यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। सबसे पहले आप यहाँ पर यह थोड़ा सा रिव्यू देख लें, मैं हाल से वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से नजर आ जाए, हॉस्पिटल का रिव्यू आप लोग चेक कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमारा फर्स्ट डॉक्टर आता है डॉक्टर फारूक असगर एक्स रजिस्ट्रार गवर्नमेंट जिना हॉस्पिटल लाहौर। इनका रूम यहाँ पर चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 1 पेशेंट के लिए बेड अवेलेबल है, इनका रूम चेक कर लें। उसके बाद हमारे सेकेंड डॉक्टर फीमेल आते हैं डॉक्टर कुरतुल्लैन असलम, इनके यहाँ पर रूम चेक कर लें। ये भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिना में ये भी एक्स रजिस्ट्रार हैं और ये साथ ही साथ गायनिंग के भी स्पेशलिस्ट हैं। उसके बाद दोस्तों भारी आते हैं यहाँ पर रूम के साथ ही बिल्कुल यहाँ पर इमरजेंसी रूम है, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं, 2 बेड अवेलेबल है पेशेंट्स के लिए, आराम से देख लें। और दोस्तों यहाँ पर 24 आवर्स इस हॉस्पिटल की सर्विसेज अवेलेबल है इमरजेंसी के लिए, ये रूम चेक कर लें। उसके बाद दोस्तों इमरजेंसी रूम के बिल्कुल बाहर यहाँ पर लैब अवेलेबल है, आप लोग देख सकते हैं। लैब के साथ ही अब यहाँ पर अगले हमारी बारी आती है ऑपरेशन थिएटर रूम की। ऑपरेशन थिएटर रूम के बिल्कुल साथ ही यहाँ पर वार्ड बनाया गया, इसके वार्ड के अंदर 3 बेड्स पेशेंट्स के लिए अवेलेबल है और यहाँ पर उनके फैमिलीज के लिए रिलेटिव्स के लिए यहाँ पर सिटिंग के लिए भी यहाँ पर एक बेड रखा गया है, आप लोग देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मैं आप लोगों को एक बार हाल से दोबारा अगेन एक छोटा सा रिव्यू दिखा दूं लोगों को ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से हॉस्पिटल का रिव्यू नजर आ जाए। मेरा काम था आप लोगों को हॉस्पिटल के बारे में हर हर्फ ब हर्फ आप लोगों को बताऊं हॉस्पिटल में कौन सी सर्विसेज अवेलेबल है, कितने पेशेंट्स के लिए प्लेस अवेलेबल है, कौन कौन से डॉक्टर्स हैं और कौन से टाइमिंग। तो दोस्तों ये तक छोटा सा रिव्यू हॉस्पिटल के बारे में, आई होप आप लोगों को ये हॉस्पिटल का रिव्यू देखने के बाद आप जरूर चाहेंगे इस हॉस्पिटल में विजिट करें।